सच साहिब, दोस्तों जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं और हमारे मुंह से अचानक हे ईश्वर या हे परमात्मा या हे भगवान शब्द निकलता है। सभी धर्मों में कहा भी गया है कि ईश्वर एक है, पर क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि वो एक ईश्वर आखिर है कौन? हमारे मन से मुसीबत के समय निकले हे ईश्वर शब्द का अर्थ हम सभी ने अभी तक जिन जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते आ रहे हैं उन्हीं से लगाया है, जैसे गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी आदि। मगर दोस्तों ये देवी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये हमें इस जीवन में भौतिक सुख तो दे सकते हैं पर पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। तो फिर हमें पूर्ण मोक्ष कौन दे सकता है? कौन है वो एक ईश्वर? आइए जानते हैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में। पवित्र वेद, शास्त्र और सद ग्रंथों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह परमात्मा मनुष्य सदृश है, भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है तथा राजा की भांति रहता है। वहां से गति करके आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह पृथ्वी पर कवियों की तरह आचरण कर विचरण करता है और उसका नाम कबीर है। कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर परमेश्वर आज से 600 साल पहले काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इनको माता पिता ने जन्म नहीं दिया था। आकाश से एक ज्योति प्रकट होकर धरती पर उतरी और उसने एक बालक कबीर का रूप धारण कर लिया, जिनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर साहेब के जन्म का संबंध किसी विधवा ब्राह्मणी से जोड़ना एकदम अनर्गल तथा आधारहीन तथ्य है। कुछ तथा कथित चालाक ब्राह्मणों ने कबीर साहेब को विधवा ब्राह्मणी की संतान कहकर विद्वानों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कबीर परमेश्वर 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने अपने वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर अपने आप को रखा तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का वास्तविक तत्व ज्ञान देकर वे सशरीर सतलोक चले गए। हमको ये बताने के लिए तथा कलयुग में ये सिद्ध करने के लिए कि हु इज गॉड, वे यहाँ भटकते ही रहे पर किसी ने उनको नहीं पहचाना और उन पर बहुत जुल्म किए। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड, ये सिद्ध करने के लिए परमात्मा कबीर ने अपने कुछ गवाह बनाए और इन पुण्य आत्माओं को वे समय समय पर अपने निज धाम सतलोक लेकर गए और वहां की सैर कराकर अपने बारे में बताकर उनको वापस इस पृथ्वी पर छोड़ दिया। आदरणीय नानक साहेब जी सिख धर्म, आदरणीय मुलक दास जी, आदरणीय घीसा दास जी, आदरणीय गरीब दास जी, आदरणीय दादू साहेब उन पुण्य आत्माओं तथा दृढ़ भक्तों में से एक हैं। आदरणीय नानक साहेब को परमात्मा कबीर बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, जहां वे रोज स्नान के लिए जाते थे। परमात्मा नानक साहेब को सतलोक लेकर गए, जहां नानक साहेब ने असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर उन्हीं जिंदा महात्मा को परमात्मा के रूप में विराजमान देखा। परमात्मा कबीर ने नानक साहब से कहा, मैं काशी बनारस में रहता हूँ, एक धानक जुलाहे का काम करता हूँ तथा कबीर मेरा नाम है, तुम वहां आना, सतनाम दूंगा। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। नानक साहब मोदी खाने में सुल्तानपुर नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। परमात्मा की प्राप्ति की तड़प के लिए उन्होंने नौकरी त्याग कर काशी जाकर पता किया तो देखा कि परमात्मा झोपड़ी में बैठे हैं तथा खड्डी पर जुलाहे का कार्य कर रहे हैं।
तब नानक साहब की आंखों में पानी भराया और उन्होंने कहा, पाई सूरत मुलक की वेश, हे ठगवाड़ा ठगी बेस, खरा सियाणा बहुतावार धानक रूप रहा करता। लोगों देखो, ये बैठा है भगवान, धानक कबीर के रूप में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सुक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सुक्त 82 मंत्र 1 से 2, ऋग्वेद मंडल 9 सुक्त 96 मंत्र 16 से 20 आदि तथा पवित्र बाइबल पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-58 पर लिखा है, फला तूतियल काफिरन व जहीद हुम बिही जिहादन कबीरा कबीरन, अर्थात वह कबीर अल्लाह कबीर देव पूजा के योग्य है। गुरु ग्रंथ साहिब के 1257 पृष्ठ पर राग मल्हार मेला पहला में बताया है कि परमात्मा कैसा है। बागे कपड़ बोल बैन, लंबा नक काले तेरे नैन, कभू साहब देखिया बहन। फिर परमात्मा को निराकार क्यों कहते हो? कबीर परमात्मा कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिल वेदन के माही, जोन वेदों से मैं मिलू वो भेद जानते नहीं। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु देव रामपाल जी गुरु महाराज की जय हो।